तो ये क्या है, ये कैसा जादुई फर्टिलाइजर है जिससे कि आपके पौधे पे अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर जादुई तरीके से आपके पौधे पे फूल आने लग जाएंगे। इसे मैं आप वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि कैसे यूज करना है और इसे आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब गुलाब का फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो गुलाब की हमें कैसे केयर करनी चाहिए, क्या क्या काम है जो हमें गुलाब में करना बहुत ही ज़रूरी है और कैसे हमें गुलाब की अपनी केयर करें ताकि हमें ढेर सारी फ्लावरिंग पूरे स्प्रिंग सीजन गुलाब से मिलती रहे। आप देख पा रहे होंगे मेरे पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है और ढेर सारी कलियां भी मेरा पौधा लिए हुए है। तो एक एक पौधे में 6-6, 7-7 गुलाब के फूल कैसे लें, इसकी पूरी डिटेल वीडियो डिस्कशन होगी। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये कुछ घास जमी हुई है तो मैं इन्हें निकाल देता हूँ। तो पहला काम दोस्तों यही है कि आपको अपने गमले की मिट्टी को चेक करना है स्प्रिंग रेनी सीजन विंटर सीजन में। इसमें काफ़ी सारे वीड्स जम जाते हैं तो आपको उन्हें देख के निकाल लेना है। और मैं आपको दिखाऊं, आपको जो है गमले की मिट्टी को पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसको साफ़ करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं, जो भी कंपोस्ट हम देते हैं तो जो वीड्स होती हैं वो इसको ले लेती हैं और पौधा उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो खरपतवार निकाल के अलग कर लेना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी पौधा आप लीजिए तो ग्राफ्टेड हो, जो पौधा आप ले रहे हैं मार्केट से वो ग्राफ्टेड हो और नीचे से यहाँ से जैसे ये देखिए सूट्स निकल रही हैं तो इन सूट्स को आपको रखना नहीं है, कम से कम 4-6 इंच ऊपर से आपके पौधे में निकलने चाहिए बड्स। तो देखिए इस मेरे पौधे में नीचे से कुछ निकली हुई हैं सूट्स तो मैं इन्हें हटा दूंगा क्योंकि ये जो सूट्स होती हैं नीचे से इनमें फ्लावर्स जो आते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और पौधे को एनर्जी ऊपर तक नहीं मिलता, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। सेम इस पौधे में आप देखिए ये पौधा मेरा कितना अच्छा बूसी है। देखिए आप मिट्टी से करीब 4 इंच ऊपर से इसमें बड्स निकली हुई हैं और इसमें आप कलियाँ देख सकते हैं कितनी ढेर सारी लगी हुई हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पौधे की केयर करनी है तो पहला काम इसमें से वीड्स निकालना, फिर दोस्तों क्या करते हैं हम किसी टूल्स की मदद से इसकी गुड़ाई कर लेंगे। दोस्तों गुलाब को थोड़ी हार्ड सॉइल पसंद है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी ना बनाएं, बाकी पौधों की तरह इसको ये थोड़े सकुलेंट टाइप के प्लांट्स हैं तो इन्हें थोड़ी हार्ड सॉइल पसंद है, इनकी जड़ें हार्ड सॉइल में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती हैं तो इनके लिए आप मिट्टी जो बनाएं वो थोड़ी इसमें कोकोपीट की मात्रा या रेत की मात्रा कम करें। इस प्रकार की मिट्टी बनाएंगे तो गुलाब के पौधे ज़्यादा अच्छे चलेंगे। अब गुड़ाई दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार करते रहना चाहिए क्योंकि हार्ड जो मिट्टी होती है इसकी तो उसमें रूट्स एयर नहीं मिल पाता है तो गुड़ाई करना आवश्यक होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनकी गुड़ाई कर दें। अब दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको ये खास करके इस सीज़न में हमें अपने पौधों से फूल लेने के लिए ढेर सारे करना है तो करना क्या है दोस्तों कि हमें इसमें कंपोस्टिंग करनी है। मैं 2 से 3 तरह की कंपोस्टिंग आपको बताता हूँ जो आप इस समय अपने पौधों में कर सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों कि आप नॉर्मल काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में गुलाब के पौधे के लिए। तो ये देखिए ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है तो इसको क्या करना है आपको 12 इंच के गमले में 1 से 2 मुट्ठी, ये देखिए इस प्रकार मुट्ठी से ले लिए और इसमें भुरभुरा देनी है। ये दोस्तों अभी तक हमारा पौधा जो रेस्ट में था तो उसमें पौधे में ग्रोथ लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको मिलाने के बाद फिर हमें हल्के हल्के टूल्स की मदद से इसे मिट्टी को थोड़ा पलट लेना है, ऊपर नीचे कर देना है ताकि जो कंपोस्टिंग हमने करी है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। और दोस्तों इसके अलावा आप इसमें देंगे बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड से बना हुआ फर्टिलाइज़र या आप
ऑनियन पील फर्टिलाइजर, ये देखिए जो बनाने के छिलके आते हैं हम लेते हैं, इन्हें आप सुखा के और इसको ड्राई फॉर्म में इस प्रकार देखिए, जब ये ड्राई हो जाए तो इन्हें क्रश करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं, या फिर इनको आप इनका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के वो फर्टिलाइजर आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आपको ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल सके। और ये जो बनाना पील फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये पौधे की फ्लावरिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पौधों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर यूज करें। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा काम हम करेंगे वो है कि जो फ्लावर्स देखिए हमारे खिल के ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको हम इन पौधे में से हटा देंगे किसी प्रूनर की। तो ये देखिए, ये मैं किसी साथ प्रूनर की मदद से इसे हम यहाँ से हटा देंगे। इससे क्या होता है कि यहाँ से देखिए नई बड्स आती हैं और उसमें फिर फ्लावरिंग होती है। तो आप ये देख लें कि सूखे पत्ते या कोई सूखी टहनियाँ, जैसे ये देखिए मेरे इस पौधे में ये सूखी टहनी है, तो मैं इसे कट करके हटा दूंगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई सूखी टहनी, पीले पत्ते आपके पौधे में ना रहे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये देखिए जो नीचे से निकल रही बड्स होती हैं, बिल्कुल बेस से पौधे की जड़ के पास से, उन्हें आपको प्रून कर देना है, उन्हें आपको नहीं रखना है। ये देखिए ये दो बड्स थी जो नीचे से निकल आई थी, हमने इन दोनों को अलग कर दिया है, क्योंकि ये जो बड्स आती हैं इनमें फ्लावर्स भी काफ़ी छोटे आते हैं और ये पौधे की सारी न्यूट्रिएंट्स खींच लेती हैं, तो बाकी जो स्टेम्स हैं पौधे की उनमें ग्रोथ काफ़ी कम हो पाती है, तो इसलिए हम इन्हें हटा देंगे। जो पौधा आपका देखिए, जैसे ये मेरा ब्रांच है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको ये जो मेरे फ्लावर्स जब ये ख़त्म हो जाएगा, अभी खिला हुआ है तो अभी नहीं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसकी यहाँ से, अब देखिए इस हाइट से इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि यहाँ से जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो पौधा बूसी होगा इस पौधे की तरह। तो ये तीसरा काम है जो हमें करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आज आपको बताऊं कि एप्सम सॉल्ट ये पौधे को हरा भरा रखने के लिए, इनको इनकी जो फ्लावरिंग है, इनके जो पौधे का ग्रोथ है वो अच्छा बना रहे, क्योंकि गुलाब को आपको सभी पता है कि एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो एप्सम सॉल्ट जो होता है ये थोड़ा एसिडिक वैल्यू को होल्ड करता है, तो हम एसिडिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इस गुलाब पे हम एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करेंगे। अब इसे कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं कि करीब एक लीटर पानी में, आप देखिए इस तरह कोई स्प्रेयर बोतल ले लीजिए, इस बोतल में एक लीटर पानी में एक चम्मच आप एप्सम सॉल्ट को डाल के इसमें अच्छे से मिला के और अपने पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। मैंने इसे तैयार कर लिया है तो मैं इसे अभी अपने पौधे पे स्प्रे कर देता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो सूरज से इनके पौधों पे पत्तियों पे जो इनका ग्रीनरी कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है, और फूल पे, पौधों पे, सब पे हमने इसका छिड़काव करना है। एक और काफ़ी ज़रूरी बात दोस्तों कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। तो ऐसी जगह पर इसे रखें कि मॉर्निंग टाइम में करीब 12 बजे तक की धूप इसे ज़रूर मिले, 11 से 12 बजे तक की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 3 से 4 घंटे की सनलाइट, फुल सनलाइट में रहता है तो पौधे में ढेर सारी कलियाँ आएंगी और ढेर सारे फ्लावर्स भी आएंगे। फिर दोस्तों मैं ये दिखाऊँ आपको, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसे मंगा सकते हैं, बहुत ही जादुई फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इसका स्प्रे कीजिए अपने पौधे पे और आपको रिज़ल्ट 10 से 12 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको यूज करने का दोस्तों जो तरीका होता है, आपको 5 से 7 ml इसको जो है 1 लीटर पानी में घोल लेना है, और घोलने के बाद 15 दिन में एक बार अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पे इसका स्प्रे कीजिए। आपको 10 से 12 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखने को अपने सभी पौधों पे मिल जाएगा। तो दोस्तों
अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अगर कोई सुझाव हो तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।